अभी हम चना चाट बनाएंगे दोस्तों। देखिए काबुली चना ली हूँ मैं, इसको ओवरनाइट सोक करके मैं इसको आधा कप पानी डाल के अच्छे से गला के रख ली हूँ। देखिए इस तरीके से गला लेना है, टूटने से तोड़ने से इस तरह से टूट जाना है। ये कम से कम 4 से 5 सीटी लगा देंगे तो इस तरीके से ये गल जाएंगे। गला के थोड़ा नमक ऐड करके आधा स्पून गला के रख ली हूँ। अभी इसको हम साइड में रख के बनाना शुरू करेंगे। मैं एक पैन रख चुकी हूँ, पैन में बस 2 स्पून जितना तेल ऐड कर लेंगे हम। इस तेल को हम गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, इसमें हम आधा स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट को हम अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा भून चुका है, अभी इसमें लो फ्लेम रख के इसको हम पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। आधा स्पून धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, आधा स्पून मिर्ची पाउडर, चाट मसाला 1/2 स्पून, 1/2 स्पून नमक, क्योंकि हम चना में नमक ऐड करके भुने हैं उसलिए। इसी के साथ हम थोड़ा 1/2 स्पून जितना भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास काला नमक होगा तो इसको भी ऐड कर सकते हो। मैं इधर 1/2 स्पून जीरा पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम ये छोलों में पानी है ना, इसको थोड़ा ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि मसाले जल सकते हैं। फ्लेम लो रख के इन मसालों को भून लीजिएगा। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम में इसको हम। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भून चुकी हूँ मैं। अब इसको हम चनों को इसमें ऐड कर देंगे, पानी के साथ ही ऐड कर लीजिएगा। अभी फ्लेम को हाई कर दीजिएगा, इसको हाई फ्लेम में पका लेंगे जब तक ये पानी थोड़ा सूख ना जाए। मिक्स करके हम इसको हाई फ्लेम में रख के पकाएंगे। देखिए दोस्तों ये अच्छे से सूख गए हैं, किस तरीके से सूख गए हैं करके पानी सारा का सूख गया है, देख सकते होंगे आप। देखिए अब इसमें हम थोड़ा इमली का पल्प ऐड कर लेंगे। इमली का पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बस 2 स्पून, कम से कम इसमें 2 स्पून जितना इमली का पानी ऐड की हूँ। हाई फ्लेम रख के इस पानी में इसको पकने देंगे। देखिए इमली का पानी भी इसमें सारा सूख गया है, अभी हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करके थोड़ा ठंडा होने देंगे हम इसको, क्योंकि हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना है, इसलिए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। 10 से 15 मिनट रख देंगे साइड में। देखिए दोस्तों ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, देख सकते होंगे आप। नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम होगा तो समय पे आप ऐड कर सकते हो। अभी इसमें हम बाकी चीज़ें सारे ऐड कर लेंगे। देखिए इधर एक आलू लेके उबला हुआ, इस तरह से मैं देखिए ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इतना ही गलाना है। चॉप करके रख ली हूँ बारीक बारीक पीसेस। एक टमाटर को बीज निकाल के चॉप करके रख ली हूँ, और एक आधा खीरा ली हूँ एक ककड़ी, इसको भी चॉप करके रख ली हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे हम। इसी के साथ 2 मीडियम से इसके प्याज को भी चॉप करके रख ली हूँ, इसको भी ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च लेके इस तरह से पीस के रख ली हूँ मैं, इसको भी ऐड कर देंगे हम। अब तीखा जितना खाते हो उतना ऐड कर सकते हो। आधा नींबू का रस ऐड कर लेंगे। पहले हम इमली का खट्टा थोड़ा यूज़ किए हैं, इसलिए थोड़ा कम यूज कीजिएगा, छोटा होगा तो आधा नींबू लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता कटा हुआ और थोड़ा पुदीना कटा हुआ ऐड कर देंगे। इसी के साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऐड की है ना, इसलिए इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस मसाले में जो चने का मसाला है ना, इसको अच्छे से कोट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैदे की पापड़ी बनाई हूँ। 1 कप मैदे में थोड़ा सा अजवाइन, 2 स्पून तेल, थोड़ा नमक डाल के गूंद के इसको इस तरह से बेल के पापड़ी बना लेना है क्रिस्पी। इसके ऊपर से इस पर डाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैश करके आप डाल दीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये। देखिए कितने कड़क हैं करके, अब घर में आराम से इसको आसानी से बना सकते हो। इतना ही दोस्तों, अभी हम इसको सर्व कर लेने हैं, बस इतना ही है, बनके तैयार है। अभी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस रमज़ान में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।